हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स पंडा आज हम लिखेंगे uh, रेजनिंग में आपके दो पजल जिसमें एक है आपका शेड्यूल बेस्ड एंड दूसरा है आपका फ्लोर पजल शेड्यूल बेस्ड जो पजल है इसमें आपका ब्लड रिलेशन भी दिखाया गया है तो ये काफ़ी अच्छा होने वाला है एंड फ्लोर पजल में भी आपके वेरिएबल को फिक्स करा गया है तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो अच्छा है एंड ये दोनों क्वेश्चन मैंने ऑलिव बोर्ड की साइड से लिए हैं सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की, की प्रैक्टिस के लिए आप लोग जिनकी जो टेस्ट सीरीज है सब बाय कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज हे और क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है आप आगे हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं यहाँ पे ये कहा गया है कि सेवन प्रोफेशनल है पी क्यू आर एस टी यू एंड वी एंड इन अ बिल्डिंग विथ विथ सेवन फ्लोर तो यहाँ पे जो आपके सात लोग हैं वो बिल्डिंग में रहते हैं सेवन फ्लोर में रहते हैं फिर गिवन है फ्लोर्स वन नंबर वन टू सेवन फ्रॉम बॉटम टू टॉप बॉटम टू टॉप चलेगा Kali, एक पर्सन जो है वो एक फ्लोर पे रहेगा देयर वर थ्री डॉक्टर्स टू प्रोफेसर्स एंड टू लॉयर्स तो यहाँ पे तीन डॉक्टर्स होंगे दो प्रोफेसर होंगे एंड दो जो है वो लॉयर होंगे फिर गिवेन है द पर्सन नेम्स वर इन कॉन्जिक्यूटिव एल्फोबेटिकल ऑर्डर डिड नॉट लिव एन कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर्स दस क्यू डिड नॉट लिव कॉन्जिक्यूटिवली विथ पी और आर एंड वाइस वर्स तो यहाँ पे यह कहा गया है कि यहाँ पे आपके तीन जो है वो डॉक्टर होंगे ओके okay, दो जो है वो आपके प्रोफेसर होंगे

हिंदी वाले हैं वो इन क्वेश्चन को एक बार इसका स्क्रीन ले सकते हैं एंड uh, इसको एक बार खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं सो so, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्लोर को दिखा देती हूँ तो ये है सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन गिवेन है एस फ्लोर नंबर वॉज क्यूज फ्लोर नंबर हु अ डॉक्टर है एंड यहाँ पे जो क्यू का फ्लोर होगा अगर हम उसकी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किसका फ्लोर मिल जाएगा एस का फ्लोर मिल जाएगा इसका मतलब अगर आपका क्यू नंबर वन पे आता है तो आपका एस जो है वो टू पर आ जाएगा अगर क्यू आपका टू पर आता है तो एस आपका फोर पर आएगा अगर क्यू आपका थ्री पर आता है तो एस जो है वो सिक्स पर आएगा क्यू आपका फोर पे नहीं आ सकता बिकॉज एस जो है उस हिसाब से एट पर आना चाहिए बट एट

एंड यहाँ पे गिवन है ओनली वन तो ओनली वन यानी कि इन दोनों का जो प्रोफेशन होगा वो किसी तीसरे पर्सन का नहीं होगा किसी तीसरे पर्सन का नहीं होगा यानी कि या तो ये दोनों लॉयर होंगे या फिर ये दोनों क्या होंगे प्रोफेसर होंगे लेकिन दोनों डॉक्टर नहीं हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पे डॉक्टर जो है वो तीन लोगों को दिया जाएगा तो तीन लोगों को दिया जाएगा इसलिए टी और वो पर्सन जो कि फ्लोर वन पर है उसे डॉक्टर नहीं दिया जाएगा या तो लॉयर या फिर प्रोफेसर इसी के संग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारी दो पॉसिबिलिटी बन रही थी तीन पॉसिबिलिटी बन रही थी जो कि आपका क्यू जो है वन टू एंड थ्री पर आ सकता है तो आपकी एक पॉसिबिलिटी कट जाएगी कि ये वन पर नहीं आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो जो है यहां है okay? तो जो है वो वो पे डॉक्टर ओके तो अगर टू पर आता है तो आपका जो एस है वो फोर पर आ सकता है एंड सेकंड पॉसिबिलिटी में क्यू अगर आपका थ्री पर आता है जो कि डॉक्टर है तो आपका एस जो है वो सिक्स पर आ सकता है तो हम इसे फिक्स कर सकते हैं प्री में जितने भी पॉइंट आप फिक्स कर सकते हैं आप उन्हें फिक्स करते हुए चले इसे हटा देते हैं हम Then आपका नेक्स्ट है पी वॉज प्रोफेसर एंड लिव जस्ट एब वन ऑफ द डॉक्टर सो पी जो है वो क्या है पी आपका प्रोफेसर है एंड जस्ट एब आएगा किसके किसी एक डॉक्टर के राइट right? अब आप एक चीज देखो यहाँ पे पी जो है वो प्रोफेसर है राइट right? पी जब प्रोफेसर है तो टी एंड फ्लोर वन को हम दो जो प्रोफेशन है वो दे सकते हैं या तो हम इसको प्रोफेसर देंगे या फिर हम इसको लॉयर देंगे राइट हम इसको प्रोफेसर नहीं दे सकते हैं क्यों नहीं दे सकते हैं बिकॉज हम लोग पी को प्रोफेसर दे रहे हैं लेकिन अगर हम ये माने कि आपका जो फ्लोर वन वाला पर्सन है वो पी भी हो सकता है तो पी आपका नहीं हो सकता क्यों क्योंकि उसके नीचे क्या आएगा उसके नीचे डॉक्टर आएगा तो जब उसके नीचे डॉक्टर आएगा तो आप देख सकते हैं फ्लोर वन पे आके उसके नीचे कुछ भी नहीं आ सकता इसका मतलब जब आपका पी प्रोफेसर है तो यानी कि जो फ्लोर वन वाला होगा ये पी नहीं होगा और ये पी नहीं होगा इसका मतलब ये, प्रोफेसर भी नहीं ये प्रोफेसर नहीं क्यों क्योंकि अगर टी तो एंड तो तीन लोग प्रोफेसर हो जाएंगे जबकि हमको खाली दो ही लोग प्रोफेसर चाहिए जैसे कि पीछे था हमें तीन डॉक्टर चाहिए दो हमें प्रोफेसर चाहिए एंड दो हमें लॉयर चाहिए राइट तो इस हिसाब से हमें टी एंड फ्लोर वन को क्या देंगे लॉयर देंगे तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लॉयर ओके okay, एंड इसको इतना सारा इरेज करके हम क्या करेंगे यहाँ पे खाली लिख देंगे कि टी को क्या मिलेगा टी को मिलेगा लॉयर आपको तो अपने पेपर में इरेज करने की जरूरत नहीं है यहां मैं खाली आपको समझा रही हूं इस वजह से लिख रही हूं ओके okay, टी को मिलेगा लॉयर उसके बाद आगे कह रहे हैं दियर वर थ्री फ्लोर बिटवीन वी एंड आर वी एंड आर के बीच में आपके तीन फ्लोर का गैप आएगा फिर गिवेन है वी लिफ्ट ऑन वन ऑफ द फ्लोर एब आर वी जो है वो आपका ऊपर रहेगा किसके आर के यानी कि वी ऊपर आएगा और तीन का गैप देके आर नीचे की ओर आएगा तो इसे हम फिक्स करने की एक बार कोशिश करते हैं अगर वी यहां पर आता है तो वन टू थ्री का गैप करके आपका आर यहां पर आ सकता है ओके okay? इसके अलावा आपका आर कहां पे आ सकता है इसके अलावा अगर R यहां पर आता है तो वन टू थ्री का गैप करके आपका V यहां पर भी आ सकता है तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है ना तो अभी स्किप कर दो इसे ओके okay? एंड इस पर राइट का टिक लगा दो आगे कहा गया है कि वन ऑफ द लॉयर्स लिव जस्ट एब क्यू की कोई एक लॉयर जो है वो जस्ट एब आएगा किसके क्यू के सो जस्ट एबब आएगा Q के तो यानी कि आपका एक लॉयर तो आ गया फ्लोर नंबर वन वाला एक लॉयर कौन सा बचा है टी तो यानी कि क्यू ऊपर जस्ट क्या आएगा टी तो यहां पर आ जाएगा टी लॉयर ओके अब आपकी जो तो दो पॉसिबिलिटी बन रही थी आर की जिसमें आर एक बार आपका थ्री पर आ रहा था और एक बार वन पे आ रहा था तो वो पॉसिबिलिटी हो जाएगी आर आपका यहां पर आएगा वन, टू, का गैप करके वी यहाँ पर आएगा इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो वी अगर यहाँ पर आता है तो वन टू थ्री का गैप करके आपका आर नंबर थ्री पर नहीं आ सकता इसका मतलब वी यहाँ पर आएगा एंड वन टू थ्री का गैप करके आपका आर आएगा यहाँ पे ओके अब ये भी फिक्स हो जाएगा ये भी फिक्स हो गया है ओके फिर देखते हैं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक यह आ गया है कि एस एंड वी डिड नॉट द सेम प्रोफेशन एस और वी का जो है वो सेम प्रोफेशन नहीं है तो अब इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे फिक्स करते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है पी प्रोफेसर एंड डॉक्टर पी प्रोफेसर होगा और नीचे उसके डॉक्टर आएगा ओके तो मान लीजिए अगर पी को मैं यहाँ लिख देती हूँ एंड प्रोफेसर यहाँ पर आ जाता है तो इस हिसाब से डॉक्टर यहाँ पर आएगा एंड डॉक्टर जब यहाँ पर आएगा तो फिर आप एस को क्या देंगे आप एस को यहाँ पे डॉक्टर तो दे नहीं सकते बिकॉज वी एंड एस जो है वो आपके सेम हो जाएंगे तो जब इसे डॉक्टर नहीं दे सकते आप एस को तो आप एस को और क्या देंगे आप एस को प्रोफेसर दे सकते हैं तो यहाँ पर क्या आ सकता है प्रोफेसर आ सकता है बिकॉज एक प्रोफेसर बचा है रेस्ट जो आपका डॉक्टर है वो ऊपर की ओर आ जाएगा तो ये हमारा एक जो थी वो कंडीशन थी मतलब अभी हमने एक बार ये माना था कि पी यहाँ पर आ जाए डॉक्टर यहां पर आ जाए लेकिन इसके अलावा भी करके देख लेते हैं इसके अलावा अगर हम P यहाँ पे लिखते हैं और P प्रोफेसर यहाँ पर आता है एंड डॉक्टर यहाँ पर आता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब आपके दो जो हैं वो क्या बचेंगे V और S बचेंगे तो V और S बचेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों को सेम प्रोफेशन नहीं दिया जाएगा सेम प्रोफेशन नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पे एक तो बचा है डॉक्टर और एक बचा है प्रोफेसर तो यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि किसे हम प्रोफेसर देंगे तो किसे हम डॉक्टर देंगे राइट एक चीज हमने पीछे पढ़ी थी कि आपके जो कंजिक्यूटिव लेटर हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे अगर आप इस डायग्राम की देखेंगे तो आप इस डायग्राम में देखेंगे एस एंड टी जो है वो एक दूसरे के साथ आ रहे हैं एस एंड टी एक दूसरे के साथ आ रहे हैं इस वजह से जो डायग्राम है ये यह यहाँ पे कट जाएगा ये डायग्राम ही यहाँ पे नहीं बनेगा ये डायग्राम में हमारा आंसर आएगा इस डायग्राम में जब आंसर आएगा तो हम पी को यहां लिखेंगे जो कि आपका प्रोफेसर होगा नीचे आपका डॉक्टर आ जाएगा एंड एस एन वी दोनों सेम नहीं होंगे तो जब इसको डॉक्टर दे दिया गया है तो वी को क्या दिया जाएगा वी को प्रोफेसर दिया जाएगा एंड यहाँ पे जो पर्सन होगा उसे डॉक्टर दे दिया जाएगा एंड यहाँ पे जो पर्सन है उसको हम लिख देंगे पी क्यू आर एस टी यहाँ पर आ जाएगा यू एन पी तो यहाँ पे देखेंगे कोई भी जो है वो आपके लगातार जो अल्फाबेट सीरीज में आते हैं वो एक दूसरे के नेबर नहीं होंगे जबकि यहाँ पे आपके एस एन टी हो रहे थे राइट तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वैसे एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जब हम ये वाला डायग्राम बना रहे थे जब हमने ये लिखा था Q, ओके okay, एंड Q के बाद जब हमने नीचे R लिखा था तभी हम इस डायग्राम को कट कर सकते थे ओके okay? तो ऐसा हो जाता है कभी कभी हमें ध्यान नहीं रहता लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर ऐसा हो तो हम यहाँ पर भी इसे कट कर सकते थे तो हमें इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती ओके okay? चलिए कोई बात नहीं इतना हमने सीख लिया कि बाद में ध्यान आया कोई बात नहीं लेकिन आ गया राइट चलिए आगे बढ़ते हैं किविन है हु एमंग द फॉलोइंग वॉज वर डॉक्टर डॉक्टर्स एमंग द फॉलोइंग इसमें ये बताना है कि कौन कौन से डॉक्टर डॉक्टर हैं या फिर डॉक्टर्स हैं कौन कौन तो देखो कि डॉक्टर यहाँ पे एस है और यू है एंड क्यू है तो खाली यू ही यहाँ पे मेंशन है सो ओनली टू होगा करेक्ट आंसर उसके बाद गिवन है फोर ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर रिलेशनशिप एंड फ्रॉम अ ग्रुप द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे एक कोई रिलेशनशिप रख रहे हैं एंड किसी ग्रुप से हैं यहाँ पे कौन से उस ग्रुप से नहीं है ये आपको बताना है तो देखते हैं यहाँ पे गिविन है आपका आर फिर गिविन है क्यू पी V एंड T. तो आपका जो T है वो इवन नंबर पे है बाकी सब आपके कैसे हैं ऑड नंबर पे है सो ऑप्शन नंबर फाइव होगा सर करेक्ट आंसर T. फिर हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन पी एंड एस पी एंड एस के बीच में कितने पर्सन रहते हैं तो पी यहाँ पर एस यहाँ पर इनके बीच में कितने पर्सन है नन तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर वन आगे कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग लिव्ड ऑन फोर्थ फ्लोर फोर्थ फ्लोर आपका फोर्थ फ्लोर पे कौन रहता है टी तो रहता है सो ऑप्शन नंबर टू होगा करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिएगा एंड इस क्वेश्चन को पहले खुद से जरूर अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन में काफी अच्छा एक पॉइंट है जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा फंस सकते हैं तो खुद से एक बार अटेम्प्ट करिए आप देखिए कि क्या आप फस रहे हैं अगर आप नहीं फंस रहे हैं तो आपकी रीजनिंग की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छी हो रखी है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में गिवन है आप जो भी लैंग्वेज प्रीफर करते हैं उस लैंग्वेज में एक बार इसे अटेम्प्ट जरूर करिए यहाँ पे यह कह रहे हैं फैमिली ऑफ सिक्स मेंबर सिक्स मेंबर की फैमिली है उनके नेम गिवन है ए बी सी डी ई एंड एफ ईच स्टार्टेड ट्रेकिंग ऑन डिफरेंट डेज इन मंथ ऑफ मार्च एंड जून ये मार्च एंड जून में ट्रेकिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं ईच वन ऑन ऑफ और ट्वेंटी तो सारे पर्सन जो है या तो एक तेरह को जाएगा एक पंद्रह को जाएगा एक बीस को जाएगा मतलब तो सब अलग अलग डेट पे जाते हैं तो मार्च की तेरह पंद्रह बीस में जाते हैं फिर जून की तेरह पंद्रह बीस में जाते हैं फिर गिवेन है आपको ये एज्यूम करना है डेट इधर नन और बोथ पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड आर अलाइव की या तो किसी भी चाइल्ड के पेरेंट्स नहीं है मतलब दोनों ही पेरेंट्स नहीं है या फिर अगर एक दिखाया गया है तो उसके दोनों ही पेरेंट्स दिखाए जाएंगे मतलब मम्मी और पापा दोनों ही दिखाए जाएंगे अदरवाइज कोई भी नहीं दिखाया जाएगा फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ पे जो डेट है उन्हें फिक्स कर लेती हूँ आई थिंक मार्च एंड जून है ना जस्ट अस मार्च एंड जून तो मार्च मार्च एंड मार्च ओके तेरह पंद्रह एंड इक्कीस है शायद ओके तेरह पंद्रह बीस है इसको भी हम लिख लेते हैं तेरह मार्च की तेरह फिर मार्च की पंद्रह फिर मार्च की बीस एंड फिर जून आ जाएगा तीनों तरफ तो जून की तेरह जून की पंद्रह जून की बीस ओके फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये यह है बीस ब्रदर स्टार्टेड ट्रैकिंग ऑन ट्वेंटी कि आपका जो बी का जो ब्रदर है वो बीस को स्टार्ट करेगा तो एक तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा कि बी का यहाँ पे ब्रदर दिखाना है हमें एंड स्टार्ट कब करेगा ये बीस को इसको हम यहाँ पे लिख देंगे फिर कह रहे हैं सी हु स्टार्टेड टू ट्रैक डेज आफ्टर बी इज डीज मदर तो सी जो है वो क्या है वो डी की मदर है ओके okay? अब डी की मदर है यानी कि इनके हस्बैंड भी होंगे राइट और ये जो अपनी ट्रैक के है वो कैसे स्टार्ट करेंगी बी के दो दिन के बाद यानी कि बी जब करेगा उसका एक दिन का गैप देखिए और फिर दूसरे दिन में ये यह यहाँ पे जो सी है वो स्टार्ट करेगी फिर गिवन है ए इज नॉट द स्पाउस ऑफ एफ हु इज ईज मदर तो एफ जो है वो क्या है एफ यहाँ पे ई e की मदर है अब ई e की मदर है तो यानी कि एफ के हस्बैंड भी होंगे ई e के फादर भी होंगे एंड ए नहीं होगा तो यहाँ पे क्या है ए जो है वो उसके नहीं है यानी कि ए जो है वो इसका हस्बैंड नहीं होगा फिर गिवन है बीज फादर स्टार्टेड टू ट्रैक ऑन फिफ्टींथ जून तो बी के जो फादर है ये कब स्टार्ट करते हैं ये पंद्रह जून को स्टार्ट करते हैं जब इसके फादर दिखाएं तो यानी कि इसकी मदर भी होंगी ओके फिर गिवन है एज डॉटर इन लॉ स्टार्टेड ट्रैकिंग आफ्टर ए बट नॉट बिफोर डी तो यहाँ पे ये कहा गया है ए की पहली बात तो यहाँ पे डॉटर इन लॉ दिखाई जाएगी यानी कि ए का यहाँ पे आ, सन दिखाया जाएगा और फिर उसकी वाइफ दिखाई जाएगी इसी के संग ए के संग भी यहाँ पे कपल दिखाया जाएगा क्यों क्योंकि यहां पे आप देखेंगे जब ए का चाइल्ड दिखाया गया है यानी कि ये दोनों ही होंगे हस्बैंड एंड वाइफ तो यहाँ पे A जो है वो या तो हस्बैंड होगा या फिर वाइफ होगा पूरा कपल इनका दिखाया जाएगा दूसरी बात यहाँ पे ये यह कहा गया है कि ए की जो डॉटर इन लॉ है वो ए के बाद स्टार्ट करेगी और गिव है बट नॉट बिफोर डी लेकिन डी से डी से पहले नहीं करेगी तो डी से पहले नहीं करेगी इसका मतलब डी के भी बात करेगी तो बेसिकली आप बोल सकते हो ए एंड डी के बाद जो है वो ए की डॉटर इन लॉ जो है वो ट्रैकिंग पर जाएगी, ओके फिर गिवन है बी इज डी चाइल्ड बी जो है वो डी का चाइल्ड है सो so बी जो है वो डी का चाइल्ड है तो यानी कि डी जो है वो या तो यहां पर आएगा या फिर यहां पर आएगा तो इसे हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे फिक्स करते हैं तो डी का चाइल्ड है यानी कि बी यहां पर आएगा एंड यहाँ पे इसका ब्रदर दिखाया जाएगा ओके इसको हम यहां से हटा देते हैं अच्छा यहाँ पे एक तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि बी के जो फादर हैं वो फिफ्टीन जून को ट्रैकिंग पर जाएंगे और बी का जो ब्रदर है वो ट्वेंटी को जाएगा ओके इसको हम अलग लिख लेते हैं अब हम इसमें बाकी को फिक्स करते हैं अच्छा अब जब डी जो है वो पेरेंट्स सिखाए गए हैं बी के तो यानी कि डी के या तो हस्बैंड होगा या वाइफ होगी ओके एफ और ई e को अगर आप फिक्स करते हो तो कैसे करोगे आप एफ जो है वो फीमेल है राइट एफ जो है वो फीमेल है तो यानी कि ये इस जनरेशन में तो आ नहीं सकती फर्स्ट वाली में तो आ नहीं सकती यानी कि ये कहाँ आएगी यहां पर आएगी ओके क्योंकि इसके नीचे नहीं आ सकती क्योंकि इसके नीचे आएगी तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और फिर नीचे वाला पर्सन कितने हो जाएंगे सात हो जाएंगे जबकि हमको कितने चाहिए छह ही चाहिए इसका मतलब एफ जो है वो यहाँ पर आएगी और ये फीमेल होगी और ये फीमेल होगी यानी कि डी क्या होगा मेल होगा इसी के संग जो ई गिव है कि ई जो है वो एफ का चाइल्ड है यानी कि ई यहाँ पे इसका ब्रदर होगा दूसरी बात एफ की जो स्पाउस है वो ए नहीं होगी तो ए नहीं है तो इसको हम हटा देंगे फिर हम ए को कहां fix करेंगे ए को हम यहाँ पे फिक्स करेंगे तो ए का यहाँ पे डी जो है वो सन हो जाएगा एफ जो है वो डॉटर इन लॉ हो जाएगी ओके okay, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा अब यहाँ पे ये यह कह रहे हैं कि बी के जो फादर हैं यानी कि डी ये 15 जून को ट्रैकिंग पर जाएंगे सो ये 15 जून को जाएंगे तो डी आ जाएगा यहाँ पे फिफ्टीन जून को बी का जो ब्रदर है वो बीस को जाएगा सो बी का ब्रदर बीस को जाएगा तो यानी कि या तो ये जाएगा ई यहाँ पे आपका मार्च बीस को या फिर ये जाएगा आपका जून बीस को तो ये दो जगह पे जा सकता है इसको हटा देंगे फिर इवन है बी एंड सी बी और सी जो है वो एक दिन का गैप देके जाएंगे यानी कि सी जो है वो एक दिन के बाद जाएगा आप गलती क्या करेंगे आप बी को यहाँ लिखेंगे एक का गैप देके सी यहाँ लिखेंगे लेकिन ये गलत है मैं इसी पॉइंट की बात कर रही थी ओके ये जो है ये तरीका गलत है यहाँ पे ये कहा गया है कि बी जो है वो सी के ए दो दिन के बाद जाएगा दो दिन के बाद, बाद यानी कि एक दिन का गैप देके जाएगा एक दिन का गैप का मतलब अगर आप यहां पे डेट देखेंगे तो डेट यहां पे सब जो है वो गैप देके के कही गई है मतलब कोई भी डेट जो है वो लगातार नहीं है तो आप जो गैप है वो लगातार नहीं दे सकते हैं यहां पे तेरा करा गया है तेरह के बाद चौदह का गैप देके पंद्रह करा गया है फिर पांच दिन का गैप देके बीस करा गया है हमको पॉइंट में ये बोला गया है कि बी जो है वो सी के दूसरे दिन जाएगा दूसरे दिन बाद जाएगा या फिर एक दिन का गैप देके दूसरे दिन जाएगा तो आप देखेंगे अगर बी जो है वो कब जा रहा है तेरह को जा रहा है तो सी कब जाएगा पंद्रह को जाएगा अगर बी पंद्रह को जा रहा है तो सी जो है वो सत्रह सत्रह जाएगा लेकिन सत्रह मेंशन नहीं है अगर बी बीस को जा रहा है तो सी जो है वो बाईस को जाएगा अगर बी तेरह को जा रहा है तो सी पंद्रह को जाएगा लेकिन यहाँ पे आपका जो पंद्रह है वो नहीं जा सकता बिकॉज यहाँ पे डी फिक्स है ओके इस कंडीशन में देखेंगे तब भी बी एंड सी जो है वो यहाँ पे फिक्स होंगे इसको हटा देंगे फिर गिवन है ए और डी के नीचे जो है वो ए की डॉटर इन लॉ आएगी सो so, डॉटर इन लॉ कौन है इसकी एफ यानी कि ए और डी के नीचे आएगी तो आप देखेंगे ए तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेकिन आपकी जो डी है उसके नीचे डॉटर इन लॉ के आने की जगह नहीं है यानी कि आपका ये जो है यहाँ से कट जाएगा और ए हम यहाँ पे लिखेंगे और डॉटर इन लॉ को नीचे लिखेंगे क्योंकि आपकी ए और डी के नीचे इस प्रकार से आपकी जो एफ है वो आ जाएगा तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो डायग्राम बनकर आएगा ओके सो आई होप अगर आपने आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सही से करा है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बता बताइएगा ताकि पता चले कि कितने लोग के ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं ताकि आपके जो क्वेश्चन हैं उनको और अपडेट करा जाए तो चलिए फिर इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर एक की डॉटर इन लॉ कौन है तो वो कौन है आपकी एफ फिर गिवेन है कि सी जो है वो किस दिन ट्रैकिंग स्टार्ट करता है तो सी करता है पंद्रह मार्च को फिर गिविन है हुंग द गि ऑप्शन हैड स्टार्टेड ट्रैकिंग इन द मंथ ऑफ मार्च तो यहाँ पे जो uh, मार्च का मंथ है उसमें कौन ट्रैकिंग स्टार्ट करता है तो बी सी एंड ई करते हैं तो बी करेगा बाकी सी और ई e तो गिविन नहीं है सो ऑप्शन नंबर टू होगा करेक्ट आंसर एफ का स्पाउस कौन है तो एफ का स्पाउस uh, यहाँ पे डी था ओके पीछे देख सकते हो ये एफ का स्पाउस एफ का स्पाउस यहाँ पे कौन था डी स्पाउस मतलब होता है हस्बैंड या फिर वाइफ दोनों में से कोई भी एफ तो का स्पाउस यानी कि एफ का हस्बैंड है वो डी ऑप्शन नंबर फोर होगा करेक्ट आंसर फिर बी जो है वो एफ से कैसे रिलेटेड है तो उसको भी देख सकते हो बी जो है वो एफ से कैसे रिलेटेड है तो यहाँ पे बी के बारे में बताया नहीं गया था कि बी जो है वो मेल है और फीमेल है तो हम ये फाइंड ही नहीं करते कि बी नहीं कर सकते कि बी जो है वो एफ से कैसे रिलेटेड होगा तो आंसर जो है वो क्या आएगा इसका आंसर यहाँ पर आएगा इसका ए और बी या तो सन होगा या फिर डॉटर होगा सो इधर ए और बी तो ऑप्शन नंबर फाइव होगा इससे करेक्ट इसी के संग अब हम इस सेशन को एंड करते हैं एंड यहाँ पे कुछ प्ले को ऐड करा गया है जो कि पजल से रिलेटेड है सो तो आप यहाँ जाके इसे व्यू कर सकते हैं एंड यहाँ पर भी कुछ प्ले को लगाया गया है जो की आपके बैंक एस एंड रेलवे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ जाके व्यू कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन का जो बेल है उसे जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ गुड डे